अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ईट्री योर फेवरेट रेसिपीज़। आज की मेरी रेसिपी लच्छेदार पकौड़े हैं। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, थैंक यू। सबसे पहले तीन प्याज ले लें, इनको छील लें और इनको बारीक बारीक लच्छों में काट लें। इस तरह से इनको बारीक बारीक आप लच्छों में कर लें और ये आप छुरी की मदद से भी कर सकते हैं। ये देखें, बहुत फाइन और बारीक लच्छे तैयार हो गए। आइए अब इसका बैटर बनाएं। अब इस सारे प्याज को एक बाउल में डालें। मेरे पास ये होममेड पकौड़ा मिक्स है, इसकी रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैंने डाल दिया, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इस पकौड़ा मिक्स के 3 टेबलस्पून हीप्ड वो इसमें डाल लें, इस तरह से भरे हुए बिल्कुल। ये 3 टेबलस्पून आप इसमें ऐड कर दें। अब इसमें बाकी चीज़ें ऐड करते हैं। 2 टेबलस्पून के बराबर सब्ज़ धनिया, 2 हरी मिर्चें चॉप्ड, 1 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च, कॉर्नफ्लावर डालें आप, इससे पकोड़े क्रिस्पी रहेंगे। और 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल लें, इसे नरम भी रहेंगे और क्रिस्पी भी बनेंगे। इसको अच्छी तरह चम्मच की मदद से मिक्स करें। आप इसको हाथ से अच्छी तरह मिक्स करना है आपने। थोड़ा सा 1 टेबलस्पून के करीब इसमें पानी ऐड करें, इससे ज़्यादा पानी ऐड ना करें क्योंकि प्याज अपना पानी खुद छोड़ेगा। इस तरह से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसको मिक्स करने के बाद आप 10 मिनट के लिए इसको साइड पर रखें। 10 मिनट के बाद इसको अब आप फ्राई कर लें। पकौड़ों को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में ऑयल डालें और उसको मीडियम फ्लेम पे गरम कर लें। अब उसमें थोड़ा थोड़ा पोर्शन हाथ से पकौड़ों का डालें। पकौड़ों को 3 से 4 मिनट के बाद पलट लें, थोड़ा लाइट सा गोल्डन कलर आ जाएगा इनको और ये क्रिस्पी भी हो गए होंगे। अब दोनों तरफ से अच्छी तरह फ्राई कर लें। लच्छेदार पकौड़े तैयार हैं, अब इनको सर्व कर दें। मेरी अगली रेसिपी आलू के लच्छेदार पकौड़े हैं। उसके लिए 2 आलू ले लें, उनको छील कर अच्छी तरह धो लें और इनको ग्रेट कर लें। छुरी से भी आप इनको पतला पतला काट सकते हैं। इतने बारीक इनको काट लें ताकि क्रिस्पी से लच्छे इनके तैयार हो जाएं। अब एक बाउल में सारे आलू डालें। आलू बाउल में डालने के बाद इसमें अब होममेड पकौड़ा मिक्स शामिल करेंगे। इसमें सारे मसाले पहले से मौजूद हैं और इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। आप इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 टेबलस्पून ऑयल, 2 सब्ज़ मिर्चें कटी हुई, 2 टेबलस्पून कोरिएंडर, धनिया, 1 हरी प्याज इसमें शामिल करें और इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर लें। अब इसको हाथ से अच्छी तरह मिक्स करें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको रख दें और तकरीबन 10 मिनट के बाद इसको फ्राई कर लें। अब एक कढ़ाई में ऑयल डालें और उसको मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लें। अब इसमें छोटे छोटे लच्छा पकौड़ा मिक्स डालें और फ्राई कर लें। 3 से 4 मिनट के बाद इनकी साइड चेंज करें। पलटने के बाद भी इनको 3-4 मिनट पकाएं और अब ये आपके लच्छा पकौड़ा तैयार हैं। आलू के लच्छेदार पकौड़े रेडी हैं। ये दोनों रेसिपीज़ बहुत ही आसान और जल्दी बनने वाली हैं। आज ही इनको बनाएं और इफ्तार में खाएं। प्याज के लच्छेदार पकौड़े और आलू के लच्छेदार पकौड़े तैयार हैं। इनको टमाटो केचप और पुदीने की चटनी के साथ सर्व करें। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर भी। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।